प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ सोलन ने प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री तक को ज्ञापन भेज प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाए, ना कि अस्थायी तौर पर हो। प्री नर्सरी अध्यापिका संघ का कहना है कि उनके लिए R&P रूल्स शीघ्र बनाए जाए और आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि कई अध्यापिकाओं को यह कार्य करते हुए लगभग 20 से 25 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुकी है, और ऐसे में वह इस लाभ से वंचित ना रहे। जिला सोलन की अध्यक्षता चंचल सोनी ने अवगत कराया कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाए, ना कि अस्थायी तौर पर हो। चंचल सोनी व उनके साथ उपस्थित सभी अध्यापिकाओं ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि बिना किसी शर्त पर भर्ती की जाए। नमस्कार, मैं चंचल सोनी, अध्यक्ष जिला सोलन। आज हम सभी प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाएं माननीय जिलाधीश महोदय श्रीमती कृतिका जी से मिले और हमने उन्हें आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी ये मांग थी कि हमारी जो भर्तियां हैं वो अस्थायी रूप से ना की जाए, हमारी जो भर्तियां हैं वो अनुबंध रूप से होनी चाहिए। इसके लिए हमारी जो सरकार से, पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने जो है वो प्री प्राइमरी में नर्सरी टीचर्स को नियुक्त करने का मौका दिया, लेकिन हमारी जयराम सरकार से केवल यही विनम्र प्रार्थना है कि हमारे लिए भी R&P रूल्स बनाए जाए, हमारी भर्तियाँ अनुबंधित आधार पर होनी चाहिए। सर, सिलेक्शन तो अभी किसी का नहीं हुआ है, सिर्फ हमें 70% बोला गया है कि 70% जो है वो NTT को रखा जाएगा, लेकिन वो किसी स्कीम के तहत बोला गया है कि स्कीम के तहत रखना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो अनुबंधित आधार पर होनी चाहिए। या तो रखे सा अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।